जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज किस वीडियो में जीके जीएस का महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी आज के इस सेशन को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलता है, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और ये प्रश्न 2020 में बिहार पुलिस बिहार लेडी कांस्टेबल में और 2023 में बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो बहुत ही सिंपल है साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू संतरा में। आगे देखिए, क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट का रंग किस प्रकार का होता है? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट का रंग जो होता है ये हरा होता है। और ये किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। आगे देखिए, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और इस मैराथन क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो सही जवाब है दिल्ली को। आगे देखिए, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? चलिए पाँच के लिए आंसर कीजिए। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को एक बार दिल से जरूर लाइक कर दें। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे वसा बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। और देखिए, विटामिन जो है, विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? सोयाबीन में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है। और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिले की है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और ऐसे तो बिहार भारत में सबसे महिला कम साक्षरता दर वाला राज्य अपना बिहार है, लेकिन बिहार में कौन सा जिला है आप लोग बताइए। कीव किसकी राजधानी है? चलिए बहुत ही सिंपल है, कीव किसकी राजधानी है? तो साथियों, यहाँ पर सातवें प्रश्न का आंसर है, कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व
किसके द्वारा किया गया था? चलिए आठ के लिए आंसर बताएंगे। देखिए 1857 की क्रांति की बात करें, ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में, कब? तो 10 मई से। और कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से स्टार्ट होती है 1857 की क्रांति। और इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है, तो क्या था? तो कमल और चपाती। तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है कुंवर सिंह। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? चलिए नौ के लिए आंसर बताएंगे। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो याद रखिएगा सुमेध जातियां है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो साथियों भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील की बात करें, ये चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सोलर सेल बने हुए होते हैं? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? देखिए मोहिनी अट्टम ये एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, और भारत में टोटल अभी 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ओडिशा का क्या है? ओडिसी है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों इस क्लास के बाद अभी हम लोग साइंस के प्रश्नों का भी प्रैक्टिस करेंगे, तो उस क्लास को भी जरूर देखना है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए कालीबंगा। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो साथियों ओजोन परत की बात करें, तो सबसे पहले ध्यान रखना है ये समताप मंडल में पाया जाता है, और इसका अनुसूत्र क्या होता है? O3। और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो यहाँ पर ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। आगे देखिए, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। इसमें से इन चारों ऑप्शन में से बताना है सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर सही जवाब है तमिल। आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? आंसर बताएंगे फटाफट से। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की जाती है। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। कोयला चार प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। तो यहाँ पर कोयला किस प्रकार का चट्टान है? सही जवाब है अवसादी चट्टान। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, अनाई मुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाई मुड़ी जो है अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है,
डोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। चलिए आंसर बताएंगे, लक्षद्वीप निर्मित है। तो साथियों लक्षद्वीप जो है ये निर्मित है किससे? तो प्रवाल भित्तियों से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये भारत का नीचे साइड का मैप है। यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप, और इधर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर में, और लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। तो साथियों भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया था लॉर्ड रिपन ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, और लॉर्ड रिपन के समय में ही कारखाना एक्ट आया था। ध्यान रखेंगे इसी के समय में 1881 में भारत में 10 के आधार पर जनगणना होती है, लेकिन भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। सिराजुद्दौला की हार खालिस्तान के युद्ध में हुई थी? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो याद रखिएगा सही जवाब है प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को। वांडीवास का युद्ध आप लोग कमेंट करके बताइए कब हुआ था। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है? तो यूरेनियम 235 है। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह क्या था? तो वह क्या था? इसका सही जवाब है द्वैध शासन। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह ये रचित है किसके द्वारा? तो सही जवाब है पद्मा सचदेव के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर सही जवाब है अवध से किया था बाबा रामचंद्र ने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो साथियों ये घोषित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 और भाग 17 के अंतर्गत। हड्डी और पेशी को जोड़ता है। चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। हड्डी और पेशी को जोड़ता है। पूरा सेशन को देखना है, एक तरह से ये आपके लिए रिवीजन का क्लास है। तो हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। हमने आपको पहले बताया था जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है, लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लेकिन हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो कंडरा, जिसको टेंडन भी कहा जाता है। सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो साथियों यहाँ पर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है।
जबकि नाइट्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में ये 78% है। शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए। तो प्योर वाटर का पीएच मान लगभग 7 होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जिस भी विलयन का पीएच मान 7 हो वह विलयन उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो क्या होता है? अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? चलिए 31 के लिए आंसर बताएंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में 75 प्रश्न हैं, तो आज आपको कम से कम इसमें 60 से 65 प्रश्नों के आंसर करना है, तभी आपकी तैयारी बेहतर है। तो कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो साथियों एड्रेनलिन, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एड्रेनलिन हार्मोन, ये क्या है? आपातकाल का हार्मोन है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। तो बहुत ही सिंपल है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब है विलियम हार्वे ने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है, विलियम हार्वे ने। और यहाँ पे अगर पूछे रक्त समूह पूछा जाता है यानी कि ब्लड ग्रुप, तो इसका खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? आज के सेट में बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? तो साथियों याद रखिएगा, ये बनी थी 1993 में। कौन सा संशोधन था? तो 73वां संशोधन। और भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूछे तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, नोट कर लेंगे 24 अप्रैल को। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है जीन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है जीन। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए। अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है, गोपालगंज। और सबसे कम पूछे तो मुंगेर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो साथियों बहुत ही सिंपल है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो साथियों जब भी धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऐसे तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ा कौन है? एशिया। लेकिन इसमें बताना है सबसे बड़ा कौन है, तो आपको कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या 39 लिखकर आंसर देना है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है?
तो साथियों बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या 40, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यसभा में 16, विधानसभा पूछे 243, विधान परिषद पूछे 75, सभी को ध्यान रखें। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। देखिए साथियों राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता है, तो सही जवाब है कोई नहीं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? चलिए 42 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी से था, यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, किसे देना चाहिए आंसर बताएंगे। तो देखिए विधानसभा का अध्यक्ष बोला जा रहा है तो ये अपना पत्र देगा त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को, सही जवाब है सी ऑप्शन। मेकोंग डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मेकोंग डेल्टा जो है ये वियतनाम में स्थित है, यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर। और बैरोमीटर में अचानक गिरावट दर्शाता है क्या? तो याद रखिएगा तूफानी मौसम को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन किस राज्य में है बताना है? तो साथियों ये है मध्य प्रदेश, और परसेंटेज में पूछे तो मिजोरम। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी लंबाई के घटते क्रम में सजाना है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके बाद कौन सा होगा ये बताना है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सबसे लंबी नदी की बात करें तो आप सभी जानते हैं गोदावरी है, तो पहला दो होगा, उसके बाद गोदावरी के बाद कृष्णा होगा 3, कृष्णा के बाद नर्मदा है 1, और लास्ट में कावेरी 2, 3, 1, 4। देखिए किस ऑप्शन में, देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3, 1, 4। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? चलिए 49 के लिए आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं मुंबई में। कब? तो 1854 में। पहले इसका नाम बम्बई था, अभी मुंबई है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? चलिए आंसर बताइए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य बताना है, तो ये कौन सा है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए इसमें भारत जो है 126वें नंबर पे है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 126वें नंबर पर, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार सबसे खुशहाल देश पूछे कौन सा है, तो फिनलैंड है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए साथियों पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है।
जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी, ध्यान रखेंगे। चलिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली घोषाल, और मखली घोषाल जो है महावीर स्वामी के शिष्य थे। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? चलिए 54 के लिए आंसर कीजिए, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है अवंतिका। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अवंतिका। और उज्जैन जो है छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन देखिए मध्य प्रदेश छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, विश्व की जलवायु को किससे खतरा है? तो विश्व की जलवायु को किससे खतरा है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से। पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है? तो यह भी सिंपल है साथियों, पायरिया जो है ये मसूड़ा में होने वाला रोग है। फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और बहुत ही सिंपल भी है। तो देखिए, फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है वायु, मृदा तथा जल, तीनों ही प्रदूषित होते हैं। अल्फा टॉक्सिन्स नामक विष उत्पन्न किया जाता है? तो साथियों, अल्फा टॉक्सिन्स नामक विष जो है ये उत्पन्न किया जाता है फंगस यानी कवक के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मशरूम क्या है, तो मशरूम भी एक प्रकार का फंगस यानी कवक है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? चलिए आंसर कीजिए, तो किस अंग में रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? चलिए साथियों, 61 के लिए आंसर कीजिए, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो याद कर लीजिए 90% पर। गंगा नदी बिहार में किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? यानी कि गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है किस जिले से होकर? तो यहाँ पर सही जवाब है बक्सर। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, बक्सर के चौसा। कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में अवस्थित है? चलिए 63 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, कुशेश्वर झील जो है स्थान झील, ये बिहार के किस जिले में है? तो दरभंगा जिले में। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, ककोला जलप्रपात ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, नवादा। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? देखिए, होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में किया गया था, पुणे में पूछे तो बाल गंगाधर तिलक ने, और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने, और एनी बेसेंट ने कहाँ पर किया था? मद्रास में। दोनों को ध्यान रखें, तो कौन नहीं जुड़े थे? तो याद रखिएगा सी आर दास नहीं जुड़े थे। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का एनम जो जिला है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, ये स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन रेजिडेंट पर्वत का उदाहरण है? अब देखिए, रेजिडेंट पर्वत का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत, तो इसमें से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा,
चलिए तो यहाँ पे देखिए अरावली होना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं है क्योंकि हिमालय तो वलित पर्वत के उदाहरण है, तो आंसर कर लेंगे सही इसका अरावली होगा। अरावली क्या है, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है और ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, आंसर बताएंगे फटाफट से। तो साथियों उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में, यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। उड़ीसा बिहार और बंगाल कब अलग हुआ था, 1912 में, इसे भी ध्यान रखेंगे। एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः है, तो देखिए साथियों एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, तो सही जवाब है डी ऑप्शन। एक माध्यम का अपवर्तनांक m किस पर निर्भर करेगा, तो साथियों एक माध्यम का अपवर्तनांक m जो है माध्यम के तापक्रम, आपतित किरण का तरंगदैर्ध्य, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था, इन सभी पर निर्भर करेगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बहुत सिंपल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें लीवर ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखेंगे, जबकि अग्नाशय ग्रंथि की बात करें ये मिश्रित ग्रंथि है और ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि ये गले में पाई जाती है, आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, और देखिए अभी तक जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साथियों गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और कहा जाता है न्यूटन के गति का पहला नियम, और इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम भी बोला जाता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है, जीवित व मृत याद रखिएगा, और जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु, जबकि वनस्पति विज्ञान के पिता पूछे तो थियोफ्रेस्टस है। कैरोलस लिनियस किस देश के निवासी थे, देखिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के पिता कहा जाता है और ये निवासी थे स्वीडन के, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।